गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा हैप्पी बर्थडे, तो फिर चलिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो गाइज देखिए, ये है मेरा रूम जो एवरिल ने इतना खूबसूरत बना दिया है। ये हमारी प्यारी सी टेडी बियर। और गाइज मैंने ये कपड़े पहनूंगी, अभी ये सूट पहनूंगी मैं। तो गाइज देखिए, मैं हो गई रेडी और मैंने अपने हेयर वॉश करे हैं क्योंकि आज सैटरडे है। तो गाइस कुछ समय बाद हम गए कुरुक्षेत्र और वहां से हम सारा सामान ले आए। तो फिर चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है केक जो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम राशन का सामान भी लेके आए हैं और कुछ स्नैक्स भी लेके आए हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैं कुछ चॉकलेट्स लेके आई हूँ जो मैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स को दूंगी। एक मेरी बहन की है और सिल्क, ये जो है ना ये वाली, मेरे को बहुत मन था काफ़ी दिनों से खाने का। तो फिर मेरे पापा ने बोला जो तेरे को अच्छी लगती है वो ले ले, तो फिर मैंने ये उठा ली। और गैस आपको पता है हम पनीर भी लेके आए हैं जिसकी हम शाम को सब्जी बनाएंगे। ये थोड़ा बहुत राशन का सामान है और हम लेके आए थे बर्गर। तो फिर चलिए बाहर चलकर खाते हैं। देखिए फिर उसके बाद हम सारे भूखड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गए इसको खाने के लिए। और फिर कुछ देर बाद शाम को हमारे दादा दादी भी आ गए थे। और देखिए यहाँ पे मम्मी हेलो कर रही है। और मेरे फ्रिज में तो काफ़ी सारी चॉकलेट्स हो गई थी गाइस। जो मेरे पापा थे वो भी चॉकलेट और किंडर जॉय ले आए थे। इस बार तो मैंने गिफ्ट्स की जगह चॉकलेट्स इकट्ठी करी। और यहाँ पे मम्मा बना रहे थे चाय और दादा दादी ना मिठाइयाँ भी लेके आए थे काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ से मिठाई अच्छी मिलती है। और जब चाय बन के तैयार हो गई तो फिर हमने पनीर के पकौड़ों के साथ टी पार्टी करी। फिर उसके थोड़ी देर बाद रात हो गई और सेलिब्रेशन का टाइम हो गया। हमारी बेबे भी आ गई थी और मेरी बहन केक को देखकर बिल्कुल, मतलब इतनी भूखड़ है ना कि वो उसका बस चले वो सारा केक खुद ही खा जाए। और गाइस ये था मेरा केक। फिर उसके बाद हमने केक कटिंग करी।